नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की विलादत से 50 रोज कबल यमन में एक बादशाह जिसका नाम अब्रहा था, उस बादशाह ने शहर सना की जानिब एक गिरजा घर तामीर करवाया था ताकि लोग काबा मुजमा की तरफ हज करने की बजाय उसके गिरजा घर में हज अदा करें और उस गिरजा घर का तवाफ करें और यही दस्तूर आने वाले लोगों को मिलता रहे। अब्रहा की इस हरकत पर मक्का के लोगों को ये हरकत बहुत ही नागवार गुजरी। चुनैचा कबीला बनु कनाना के एक शख्स ने गुस्से की आलम में उस गिरजा घर में दाखिल होकर उसको गंदगी का ढेर बना दिया और उसकी दीवारों पर गंदगी फैला दी। जब अब्रहा को इस वाकी का इल्म हुआ तो उसने गुस्से की आलम में काबा मुअज्जमा की तरफ चढ़ाई का दावा बोल दिया। उसने कहा कि अब वो काबा मुअज्जमा को तबाह कर डालेगा। लिहाजा उस गंदे इरादे से अब्रहा ने अपनी फौज इकट्ठी की। उस फौज में उसके सिपाही और हाथी थे, उसमें एक बहुत बड़ा हाथी जिसका नाम महमूद था। अब्रहा ने अपनी फौज के साथ मक्का मुकरमा पर चढ़ाई कर दी और मक्का मुकरमा के सब जानवरों को अपने कब्जे में ले लिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के दादा हजरत अब्दुल मुतलिब के ऊंट भी शामिल थे। हजरत अब्दुल मुतलिब आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के दादा थे जो अहले मक्का की सरदार और काबा मुअज्जमा के मुतवल्ली थे। ये बहुत ही रोबदार और बाशकू आदमी थे। हजरत अब्दुल मुतलिब को जब इसका इल्म हुआ तो आप अब्रहा से मिलने के लिए चले गए। बादशाह अब्रहा को जब आपके आने का पता चला तो उसने आपकी बहुत ही ताजीम की और आने की वजह दरियाफ्त की। तो आपने फरमाया कि ऐ अब्रहा, मेरे ऊंट जिन पर तूने अपना कब्जा जमाया हुआ है उन्हें मुझे वापस कर दो। अब्रहा ने कहा कि मुझे आप पर बहुत ही ताजुब हो रहा है, मैं तो आपके काबा मुअज्जमा की तरफ चढ़ाई का दावा लेकर दाखिल हुआ हूँ और आपको चाहिए कि आप काबा मुअज्जमा की हिफाजत करें, मगर आप अपने ऊँटों को रिहा करने की बात कर रहे हैं। सवाल के जवाब में आपने फरमाया कि ऐ अब्रहा, मैं सिर्फ अपने ऊँटों का मालिक हूँ, सिर्फ उनकी बारे में ही बात करूँगा, मगर वो काबा वो उस खुदा का घर है जिसके कब्जे ये सारी कायनात है, वो खुद ही उसकी हिफाजत का हक रखता है, मुझे उसकी कोई फिक्र नहीं। अब्रहा आपके इस जोश से बहुत ही लुत्फ अंदोज होकर आपके ऊंट आपको वापस कर दिए और काबा की तरफ हमला करने का फैसला सुना दिया। उसने अपनी फौज से कहा कि तुम सब मक्का मुकरमा की पहाड़ियों और घाटियों की तरफ कब्जा जमा लो। उसके बाद हजरत अब्दुल मुतलिब काबा की दरवाजों को पकड़कर अपने रब से दुआ की कि ऐ अल्लाह, तू अपने घर की हिफाजत फरमा। दुआ से फारिग होने के बाद आप अपनी कौम के साथ पहाड़ की चोटियों पर चढ़ गए। अब्रहा सुबह सवेरे काबा की तरफ हमला कर दिया और अपने हाथियों को चलने का हुक्म दिया। वो हाथी जिसका नाम महमूद था, उस हाथी को जिस हरकत पर चलाता वो चलता था, मगर अब्रहा काबा की तरफ चलाता तो वो हाथी ना चलता और बैठ जाता। इतने में अल्लाह ताला ने समंदरों की जानिब से परिंदों का एक लश्कर भेज दिया और हर परिंदे के पास तीन तीन कंकरियां, जो दो कंकरियां पंजों में और एक कंकरी उसकी चोंच में होती थी। उन परिंदों ने अब्रहा के लश्कर वालों पर इस तरह से कंकरों की बारिश की कि इंसान के बदन को चीरती हुई और हाथी के बदन को भी चीरती हुई चली जाती। इस तरह से अल्लाह ताला ने अपने अजाब नाजिल किया और हर कंकरी पर मरने वालों का नाम लिखा हुआ था। अब्रहा का पूरा लश्कर उन परिंदों ने अजाबे इलाही के तौर पर निस्तो नबूद कर डाला। नाज़रीन कराम, ये वाक़या जिस साल वकू पजीर हुआ उस साल को अहले अरब उसको आम फील यानी हाथी वाला लश्कर से याद करने लगे और अल्लाह ताला ने इस वाक़ये को सूरत फील में भी जिक्र किया है।